हीगल ने पहली बार एक ऐसी पद्धति का प्रयोग किया। देखिए, जब कोई फिलोसफर होता है विकास इतिहास की व्याख्या करता है तो विकास इतिहास कई तरीके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इतिहास जैसे आगे बढ़ता जाता है तो फिर अपने आप को रिपीट नहीं करता। यूनानी दौर में सिस्टम था सर्कुलर डेवलपमेंट, यानी डायलॉग सिस्टम, जो संवाद की शैली यूनानी में थी। उस संवाद की शैली का थोड़ा फर्क तो हीगल के चिंतन में दिखता है, लेकिन हीगल ने कहीं ना कहीं ये बात बताने का प्रयास किया कि इतिहास अपने आप को रिपीट नहीं करता बल्कि जिग जैग फॉर्म में आगे बढ़ता है। यूनानी युग में ऐसा माना जाता था कि नहीं, इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, वाद संवाद के माध्यम से फिर से इतिहास, इसीलिए शासन की जो 6 प्रणालियां थी वो रह रह के एक दूसरे को रिपीट करती रहती है। यानी समाज इतिहास की व्याख्या में कई बार लोग कहते हैं ना कि फैशन अपने आप को रिपीट करता है, एक चिंतन जब पहले जो विचार पहले था वो घूम फिर के फिर वही आता है। लेकिन हीगल ने एक नायाब तरीका अपनाया, उसने कहा ऐसा नहीं कि इतिहास समाज की समझ के लिए लीनियर तरीका ठीक नहीं है, कि इतिहास हमेशा आगे बढ़ता जाता है। सर्कुलर तरीका, चक्र तरीका ठीक नहीं, कि इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। समाज इतिहास का जो विकास होता है वो एक जिग जैग फॉर्म में होता है, जिससे उसने द्वंद्वात्मक पद्धति का नाम दिया। इसका सीधा सा मतलब है, द्वंद्वात्मक पद्धति का सीधा मतलब यह है, देखिए हर विचार में एक विरोध विचार पाया जाता है, हर विचार का विपक्षी विचार पाया जाता है। जैसे कई बार आप कहते हैं ना कि हमारे मन में द्वंद्व है, द्वंद्व ही तो जीवन का पार्ट है। आप याद रखिए, मानव है तभी आपके जीवन में द्वंद्व है। इसके जीवन मार्कर के जीवन में कोई द्वंद्व नहीं है कि मुझे पेन बनना है, मार्कर के जीवन में कोई द्वंद्व है नहीं। मोबाइल के जीवन में कोई द्वंद्व नहीं है, भाई वस्तु का एक निश्चित स्वभाव होता है। और जब किसी वस्तु का निश्चित स्वभाव होता है तो वस्तु में कभी द्वंद्व होता ही नहीं। मानव की यही विशेषता है। जितने फिलोसफर थे उन्होंने अलग तरीके से मानवीय स्वभाव की व्याख्या की है, लेकिन मानव खास बात क्या है, मानव में द्वंद्व भरा पड़ा हुआ है। द्वंद्व नहीं होता, कई बार आपको लगता है कि यार सुबह पढ़े कि शाम पढ़े, द्वंद्व होता है। सुबह दौड़ने जाए या शाम को दौड़ने जाए, द्वंद्व होता है। दोस्ती करें या केवल पढ़ाई पर ध्यान रखें, द्वंद्व होता है। कपड़ा कैसा पहने, अरे लाइफ में द्वंद्व ही तो है। तो अगर जीवन में द्वंद्व है, समाज इतिहास में द्वंद्व रहेगा। लेकिन हमेशा, और सच मानिए यही प्रकृति का नियम है, अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी है। इसलिए इसी बात को सांख्य दर्शन में, इंडियन फिलोसफी में, सांख्य दर्शन में ऐसा कहा गया है, एक तरफ प्रकृति है दूसरी तरफ पुरुष है, और इन्हीं के संयोग से पूरे सृष्टि का निर्माण होता है। अगर आप वैसे भी देखेंगे, अगर साइंस के स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपने आप में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साथ साथ चलते हैं, यही तो साइंस भी मानता है, यही इंडियन फिलोसफी मानती है। शरीर आत्मा के बीच द्वंद्व है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हम शरीर है कि आत्मा है। यानी जब कोई फिलोसफर कोई बात कह रहा है तो ऐसा कोई बहुत ऐसी बातें जो आप समझ नहीं सकते। हकीकत का मामला है कि जीवन में द्वंद्व होता रहता है, जीवन में दो विरोधी विचार आते रहते हैं, और कई बार उन्हीं में से एक विचार को अपना लेना जीवन में चुनौतीपूर्ण तो होता है, क्योंकि एक विचार अपनाने में कई बार असमंजस होता है, फिर उसमें भय भी लगता है। लेकिन दुनिया में जितने विचार हैं सब द्वंद्व के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ज्ञान के विकास में, इतिहास के विकास में, तो आपके जीवन से द्वंद्व कम होता जाएगा, और जो द्वंद्वातीत हो गया वो बुद्ध बन गया। जिसके जीवन में द्वंद्व नहीं रहा वो कौन बन गया? बुद्ध बन गया। और जिसके जीवन में द्वंद्व है वो भौतिक व्यक्ति है, द्वंद्व बना हुआ है किस रास्ते पे जाए, किस रास्ते पे जाए, यहां पढ़े कि वहां पढ़े। और इसे कहा भी जाता है कि द्वंद्व से पार हो जाना विकास की चरम अवस्था कब है? जब विकास में द्वंद्व न रहे। वैसे द्वंद्व चलता रहता है, विरोध चलता रहता है, द्वंद्व कहिए विरोध कहिए। एक विचार है उसके विरोधी विचार क्या है? द्वंद्वात्मक तरीका। एक विचार आएगा उसका विरोधी विचार आएगा, फिर एक विचार आएगा उसका विरोधी विचार आएगा, यही तो खंडन बंडन की प्रवृत्ति है। फिर विचार कहीं आगे बढ़कर ऐसा रुकेगा जहां पर एक प्रमुख विचार आ जाएगा जिसके आगे विकास की गति समाप्त होगी। तो मानव जीवन में द्वंद्व हमेशा बना ही रहता है। इसी तरीके से हीगल ने कहा
कि देखिए एक विचार आता है, विचार क्या है, वाद है, उसका विरोधी विचार क्या है, प्रतिवाद है। यानी एक विचार का विरोधी विचार क्या है, प्रतिवाद है। जैसे थीसिस, फिर क्या है, एंटीथीसिस, फिर क्या है, संवाद। दोनों विचार के अच्छे तत्वों का समन्वय कर दिया जाए तो क्या बनता है, संवाद। यानी कोई विचार बिल्कुल गलत नहीं होता, कोई विचार बिल्कुल सही नहीं होता, हर विचार में कुछ अच्छे एलिमेंट पाए जाते हैं, हर विचार में अच्छे एलिमेंट पाए जाते हैं, उसके कुछ सही एलिमेंट होते हैं, उसके कुछ गलत एलिमेंट होते हैं। तो सही वाले एलिमेंट को आप लीजिए, गलत वाले एलिमेंट को छोड़ दीजिए। यानी इतिहास के हर चरण में, समाज के हर व्यवस्था में कोई ना कोई अच्छी बात है, कोई ना कोई अच्छी बात तो रही है, तो वहाँ अच्छे पॉइंट को ले लीजिए, बाकी बुरे पॉइंट को वहाँ से छोड़ दीजिए। तो वाद, प्रतिवाद, संवाद, ऐसे विकास का तरीका चलता है, उसे कहते हैं द्वंद्वात्मक। अब इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं, इसी पद्धति को अपनाकर उसने समाज को भी समझा, इसी पद्धति को अपनाकर उसने इतिहास को भी समझा, और इस पद्धति को अपनाकर तो विज्ञान तक को समझना चाहता था। हीगल ने कहा समाज, राज्य, इतिहास सबकी व्याख्या के लिए इसी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग होगा, क्योंकि इसी समाज आगे बढ़ता है। जैसे पहले उसने समाज की व्याख्या करने शुरू की, उसने कहा पहले आता है नागरिक समाज, पहले आता है परिवार। तो विचार कहां से उत्पन्न होता है, परिवार से। और आपको हम याद दिला दें, परिवार के पहले उसने कहा है जो सृष्टि का विकास है वो दो एलिमेंट में है, पहले सृष्टि का एक विकास है जो कि भौतिक विकास है। तो यहाँ वो एक विचार करता है और विचार उसके इस तरीके के है जैसे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति सोचता है। वैसे हीगल हमेशा कहता है कि वो रेशनलिटी, वो तर्क में विश्वास रखता है। हीगल ने कभी ईश्वर वर्ग की बात नहीं कही, तर्क की बात कही, रीजन की बात कही, लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति की तरह समझना हो तो हीगल कहता है क्या है, परिवार अचानक नहीं आ गया, परिवार के पहले भी तमाम वाद, प्रतिवाद, संवाद हुआ, लेकिन वो हमारे काम का है नहीं। एक थोड़ी सी बात हमें समझनी चाहिए, हीगल ने कहा एक ईश्वर समझ लीजिए, परमात्मा समझिए, जिसका नाम उसने यूनिवर्सल स्पिरिट दिया। यानी कई कई बार ये मन में सवाल आता है ना कि जब भगवान पूर्ण है, भगवान सर्वोच्च है, तो उनको इस धरती पर आने की, कोलाहल की दुनिया में आने की आवश्यकता क्या पड़ गई, क्योंकि वो कुछ थिएटर करना चाहते थे। भगवान को लगा भाई थोड़ा भौतिक दुनिया बनाई जाए, इसमें थोड़ा सा रोमांच होगा, झगड़े होंगे, यही तो भगवान का बनाया हुआ नाटक है जो अलग अलग तरीके से चलता रहता है। तो भगवान ने सोचा फिल्म बनाते हैं, उस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, भगवान है। तो भगवान ने कहा कि चलो भाई, भगवान आए और एक बार उन्हें छू मंत्र मारा, उसके बाद पेड़ पौधे, नदी, तालाब, ये सब बन गए। उसके बाद भगवान चलते चलते आगे गए, उन्हें फिर छू मंत्र कहा, उसके बाद पेड़ पौधे, नदी आगे बनने के बाद फिर क्या आगे बन गया, उसके बाद फिर पशु बन गए, जीव जंतु बन गए, अभी सब बन गए। अब भगवान ने कहा यार ये सब लड़ ही रहे, केवल ये तो भौतिक विकास है, केवल केवल इसमें केवल भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अब थोड़ा इस विकास को नैतिक रूप में आगे बढ़ावा दिया जाए। तो भगवान ने कहा चलो परिवार बनाते हैं, परिवार बनाया, परिवार बनाया। और खास तौर पर हीगल परिवार की बात कर रहा है, पूरे उदारवादी चिंतन परिवार को आपने देखा कहीं, यूनानी युग के बाद फिर से परिवार खोज कहाँ हो रही है, हीगल में। तो हीगल से पूछा गया परिवार बन गया तो परिवार का आगे विकास कैसे आगे बढ़ेगा, यही देखिए द्वंद्व है। परिवार विकास का पहला पायदान है, और परिवार की अच्छी बात क्या है, परिवार का आधार प्रेम पर होता है। परिवार का मूल बेस कैसे है, प्रेम के आधार पर। आप देखेंगे एक परिवार के सदस्य के लिए जो हम करना चाहते हैं वो दूसरे के लिए नहीं करते। परिवार के मेंबर के लिए आदमी ब्लड डोनेट तक कर देता है, बाकी के लिए भी कर देता होगा, परिवार के लिए हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। परिवार का आधार प्रेम होता है, लेकिन जब अनेक परिवार मिलकर, जब अनेक परिवार मिलते हैं तो प्रतिवाद क्या बनता है, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। अनेक परिवार मिलकर क्या बनाते हैं, नागरिक समाज,
और नागरिक समाज का मतलब है कि विश्वविद्यालय, नागरिक समाज का मतलब है, और ख़ास तौर पर जो प्लेटो ने, जो हीगल ने नागरिक समाज का मतलब लिया, और पहली बार वो नागरिक समाज और राज्य के बीच अंतर करने वाला पहला पश्चिमी विचारक है। उसके पहले कोई नागरिक समाज और राज्य के बीच अंतर करता ही नहीं। पहली बार उसने कहा कि नागरिक समाज और राज्य के बीच में अंतर कर रहा हूँ, और उसने नागरिक समाज को ज़्यादा हद तक नौकरशाही के रूप में देखा है, व्यापारिक क्षेत्र के रूप में देखा है, तो नागरिक समाज की व्याख्या कर दी। अब इस समय अगर हम हीगल की बात समझें, इस समय आप नागरिक समाज के क्षेत्र में हैं, आप परिवार के साथ हैं या सिविल सोसाइटी के साथ हैं? इस समय तो नागरिक समाज में है, और आप देखेंगे नागरिक समाज का मूल आधार क्या है, कॉम्पिटिशन। कई बार एक लोग दूसरे को नोट्स नहीं देते, अपने कुछ पढ़ते रहेंगे दूसरे कुछ बता देंगे, क्योंकि उनको लगता है कॉम्पिटिशन है, इसको मैं बता दूंगा तो ये तो कल हमारे एग्जाम के पास कर जाएगा। इसे खास बात है, परिवार का विचार क्या है, प्रेम, प्रेम का विरोधी विचार क्या है, प्रतिस्पर्धा। प्रेम का विरोधी विचार क्या है, प्रतिस्पर्धा। आप यदि जिसका आपका कंपटीशन होगा उसके साथ आपका प्रेम नहीं होगा। तो नागरिक समाज से द्वंद उत्पन्न हुआ तो क्या बन गया, नागरिक समाज। परिवार का विरोधी विचार क्या है, नागरिक, यही द्वंद है, थीसिस एंटीथीसिस। और परिवार में अच्छी बात है, प्रेम है, लेकिन परिवार का प्रेम का दायरा बड़ा संकीर्ण होता है। जो प्रेम केवल अपने परिवार के प्रति होता है, दूसरे के प्रति नहीं होता। इसलिए इस प्रेम के दायरे को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। नागरिक समाज बड़ा है, यहाँ प्रतिस्पर्धा चलती है, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा सबके लिए है, यूनिवर्सल है। इसलिए दोनों के अच्छे एलिमेंट को मिला दिया जाए, प्रेम को इधर से मिला दिया जाए और सार्वभौमिक को इधर से मिला दिया जाए, तो क्या बनता है, राज्य। इसे बात ध्यान में रखने की संस्था है, हीगल का जो राज्य है वो यंत्र नहीं है, मशीन नहीं है। अरे हीगल का राज्य क्या है, ईश्वर का प्रकटीकरण है। द्वंद्वात्मक तरीके से हीगल ने राज्य को महिमा मंडित किया, और उसने कहा यानी इस जगत में अध्यात्म की सर्वोच्च अभिव्यक्ति क्या है, राज्य। यानी ईश्वर ने अपने आप को जमीन पर प्रकट किया है। ईश्वर को हम जमीन पर कैसे देख सकते हैं, राज्य के रूप में। आप कहेंगे ईश्वर को राज्य के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का मतलब क्या है, नैतिकता। ईश्वर का मतलब नैतिकता, तो राज्य के अंतर्गत हम रह के नैतिक काम करेंगे, समुदाय के लिए काम करेंगे, सबकी भलाई के लिए काम करेंगे। इसे हीगल ने माना कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, और राज्य का मतलब है जर्मन राष्ट्र राज्य। इस बात को उसने ऐसे प्रमाणित कर दिया कि इतिहास का विकास कैसे हुआ, वाद क्या है, यूनानी युग। संवाद क्या है, रोमन साम्राज्य। और संवाद क्या है, जर्मन राष्ट्र राज्य। ऐसे उसने इतिहास के माध्यम से देखा कि इतिहास की पहली अवस्था का विकास क्या है, यूनानी युग। इतिहास की दूसरी अवस्था का विकास क्या है, रोमन काल। रोमन काल इटली का, यानी पहले काल में क्या है, यूनानी युग में, जहाँ पे नगर राज्य थे, जहाँ पे नगर राज्य थे, छोटे छोटे नगर राज्य थे, उसका विरोधी विशाल रोमन साम्राज्य था। उसका संवाद कहाँ आया, जर्मन राष्ट्र राज्य में। यानी इस पूरे द्वंद्वात्मक पद्धति, द्वंद्व पैदा करने का उसका मूल पर्पज क्या था, जर्मनी में एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य की स्थापना का औचित्य सिद्ध कर देना। इसलिए उसे राज्य को ऐसा महिमा मंडित किया। अब अगर आप सोचेंगे कि सर ये बताओ, जर्मनी के राष्ट्र राज्य के विकास में इतिहास की बात उसने कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये विकास हो कैसे रहा है, ये विकास आध्यात्मिक तरीके से हो रहा है, ईश्वरी चेतना का परिणाम है। अब ईश्वरी, आप कहोगे सर ईश्वरी चेतना आध्यात्मिक दिखाओ तो विकास कैसे हुआ, फिर वही बात है, ईश्वर कहाँ कोई दिखा पाएगा, चेतना हम दिखा कहाँ पाएंगे। इसलिए हीगल ने जो भी इतिहास का पूरा उल्लेख किया, ये रहस्य है, ईश्वर का विकास रहस्य होता है। लेकिन द्वंद्वात्मक उसके लिए माध्यम था, साधन था या साध्य था, साधन था। उसके लिए साध्य क्या था, जर्मनी में राष्ट्र राज्य का विकास करना। इसलिए उसने कहा दो खामियों में
खामियों को छोड़ दीजिए, दोनों के अच्छे तत्वों का समन्वय कर लेंगे तो क्या होगा? संवाद। इसको ऐसे भी आप समझ लीजिए, वाद संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद को आप ऐसे समझ लीजिए। बेरोजगार वाद, बेरोजगारी की दशा क्या है? वाद। आईएएस अधिकारी बन जाना, प्रतिवाद। बेरोजगारी से बिल्कुल रोजगारी की अवस्था में आ जाए, मुख्यमंत्री बन जाना, संवाद। मुख्यमंत्री बन गए तो आजादी भी उतनी है जितनी बेरोजगारी में थी। बेरोजगारी में खास बात क्या है? बेरोजगारी का अच्छा एलिमेंट क्या है? फक्कड़पन। भाई छात्र जीवन, छात्र जीवन क्या है? जो आजादी आपको यहां पे हो कहीं नहीं है। आईएएस अधिकारी में क्या है? पावर तो ज्यादा है, पैसा है, आजादी नहीं है। और मंत्री में दोनों है, आजादी भी है। भाई मंत्री को बोलने वाला कौन है? प्रधानमंत्री को बोलने वाला कौन है? आईएएस अधिकारी बोल नहीं सकता, वो बोल देगा तो पता नहीं क्या उस कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो जाएगा। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, उसके बड़े प्रोटोकॉल है। छात्रों के लिए जब मर्जी हो बस फेसबुक निकाला, दिमाग खराब हुआ फेसबुक निकाला, लाओ आज गाली वाली देते हैं। ट्विटर पर सबको, ये आजादी है। इसे वाद संवाद और प्रतिवाद। अब देखो जरा, अविवाहित जीवन वाद, विवाहित जीवन प्रतिवाद, सन्यासी संवाद। दोनों का मजा ले लिया। उसके बाद दोनों का अच्छे तत्वों का समन्वय क्या हो गया? संवाद में। अरे यही तो जीवन है। तो किसी फिलोसफर ने कह दिया उसके बहुत दबाव में थोड़ी आना है। जब आप चीजों को बड़े बड़े सैद्धांतिक तौर पर पढ़ेंगे तो बोले यार पता नहीं क्या कह दिया। अरे क्या कहा, क्या एक सामान्य सी बात कही। ईश्वर धरती पर आते हैं और ईश्वर धरती पर आते हैं तो उनको मन हुआ थोड़ा सृष्टि करें, और हीगल ने तो यहां तक कह दिया ईश्वर जहाज लेकर निकले। ईश्वर जहाज लेकर निकले और हीगल ने इतिहास का उल्लेख ऐसा किया है क्योंकि उसको जहाज जहां जहां उतारना था तो पहले से तय था। तो ईश्वर जब जहाज लेकर निकले तो उसका पहला जहाज उड़ा इंडिया और चाइना के ऊपर से, तो पायलट ने कहा सर यहां उतारे जहाज? ईश्वर ने कहा नहीं। पायलट ने कहा क्या प्रॉब्लम है? ईश्वर ने कहा ये सब जगह हमारे रहने लायक नहीं है। उसके बाद जैसे पायलट ईश्वर जहाज यूनानी यानी एथेंस स्पार्टा के ऊपर से उड़ रहे थे, पायलट ने कहा सर उतार ले जहाज। ईश्वर ने कहा जरा उतारो यहाँ जहाज, तो जरा ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जहाज उतरा, ईश्वर उतरे, ब्रेकफास्ट वगैरह किया। फिर ईश्वर ने कहा यहाँ तो दास रह रहे हैं, नहीं है, ठीक नहीं है, यहाँ से उड़ो। उसके बाद ईश्वर का जहाज जैसे रोम पहुंच रहा था, बात ध्यान देने की है, हीगल का जहाज जरा चाइना उतर रहा है, इंडिया यानी इतिहास के विकास इंडिया और चाइना शुरू हो रहा है, इतिहास का विकास यूनान शुरू हो रहा है। इसे कहते हैं यूरोसेंट्रिक अप्रोच। बार बार हमारे पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी पर आरोप आता है कि पश्चिम को ज्यादा महत्व देते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ भगवान, और जो अब जाके हमारे यहाँ देखो, मैं उत्तराखंड में गया, उनका देवभूमि। मैंने कहा हीगल, हमने कहा हीगल को मैसेज किया, हमने कहा बाबा तुम हमारी फिरकी ले रहे थे, तुम्हारा रॉन्ग नंबर ऑफ मैसेज था, तुम कह रहे थे कि हाँ हमारा जहाज नहीं उतरा, यहां तो लिखा है कि ईश्वर है। उसके बाद मैं केरला गया, केरला में लिखा था गॉड्स ओन लैंड, मैं कंफ्यूज हो गया। उत्तराखंड को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा धामी सही ये क्या लिखवा रहे हो? और केरला में मैंने साम्यवादी सरकार से पूछा आप भी भगवान को मानते हो? आपने मैसेज ये दिया है गॉड्स ओन लैंड? केरला का ने पहले मैसेज लोगों ने दे दिया था, हमारी मान्यता ये नहीं है। हमने कहा करेक्ट, साम्यवादी भगवान कैसे मानेगा? इसे आप याद रखिए, जब हीगल के भगवान की यात्रा चल रही थी तो रोम उतरे भगवान, और रोम देखा बड़ा कीर्तन उतन हो रहा था, ये बात उनको अच्छी लगी, साम्राज्य बड़ा वैभवपूर्ण था। बाद में भगवान ने देखा यार रोम में भी स्वतंत्रता नहीं है, तो भगवान ने कहा जहाज उड़ाओ। अंतिम जहाज उनका वहीं उतरा जहां उतरना चाहता था ईगल, अब कहां उतर गया? जर्मनी में। सारांश ये है, इस बात को हमें लिखने कभी आएगा नहीं, ना हमें लिखना पड़ेगा। सारांश ये है कि हीगल इस माध्यम से राष्ट्र राज्य को महिमा मंडित कर गया। द्वंद्वात्मक तो साधन मात्र था, और इसी की समस्या मार्क्स से थी। देखो परिवार नागरिक समाज में विरोधाभास है, परिवार प्रेम पर है, नागरिक समाज प्रतिस्पर्धा पे है।
नागरिक समाज में क्या होता है, हम दूसरे को पीछे छोड़ने का प्रयास करते हैं। परिवार में जो सबसे वंचित है उसका ध्यान सबसे ज़्यादा रखा जाता है। परिवार में जो फुक्कड़ भाई बहन है, माँ उसी का ध्यान सबसे ज़्यादा रखती है। माँ उसी के ध्यान सबसे ज़्यादा, माँ कहेगी देखो अगर कोई कमाने वाला बड़ा भाई या बच्चा कह देगा ये कुछ करता नहीं है, उनका कोई बात नहीं कर लेगा। परिवार प्रेम पर है, नागरिक समाज प्रतिस्पर्धा पर है, दोनों एक दूसरे के विरोधी एलिमेंट हैं। और फिर राज्य में दोनों विरोधी तत्वों का समन्वय हो रहा है। नागरिक समाज में प्रतिस्पर्धा होती है सार्वभौमिक, परिवार में प्रेम होता है सीमित, सार्वभौमिक नहीं है। इसलिए राज्य के प्रति क्या होगा, सभी का प्रेम सार्वभौमिक हो जाएगा। प्रेम लेंगे परिवार से, सार्वभौमिक कहाँ से लेंगे, नागरिक समाज से। इसलिए उसने कहा भाई हीगल अगर राज्य ही है, याद रखिए राज्य समझौते से बना है या ईश्वर का अवतार है। अब ईश्वर का अवतार राज्य के खिलाफ विरोध करेंगे, आपके घर में गणेश जी आ जाए धरना प्रदर्शन करेंगे या करेंगे प्रभु धन्य हो गए आप आए तो यही। इसलिए हीगल का पर्पज ऐसा था। इसे कहता भी है कि अगर राज्य को जब यंत्र बना देंगे, राज्य को मशीन बना देंगे, तो राज्य के विरोध का आधार अपने आप आ जाएगा। राज्य को यह मशीन बनाने का मतलब है कि राज्य तो हमारा साधन हो गया, और जब हमने राज्य को ईश्वर का दर्जा दे दिया तो राज्य फिर सबसे महत्वपूर्ण हो गया, पवित्र हो गया, साध्य बन गया। बहुत फर्क आ जाता है। मार्क्स ने इस बात को बदल दिया। मार्क्स चिंतन में वाद प्रतिवाद संवाद ये द्वंद्वात्मक तरीका उसने हीगल से लिया, लेकिन उसका प्रयोग अलग तरीके से कर दिया। वाद प्रतिवाद संवाद, और उसने कहा कि वाद में क्या है, इतिहास को देखा, उसने कहा वाद में क्या है, पूंजीवाद। प्रतिवाद में क्या है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। वाद में है पूंजीवाद, प्रतिवाद में है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, और संवाद में क्या है, साम्यवाद, कम्युनिज्म। और उसने इसी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए एकदम उलट दिया मामला। तो उसने कहा पूंजीवाद का विरोधी विचार क्या है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, और पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व दोनों तत्वों का अच्छा समन्वय कर दिया जाए तो क्या बनेगा, साम्यवाद। और इन दोनों की व्याख्या हम अलग अलग तरीके से कर देंगे। लेकिन वाद प्रतिवाद और संवाद को बढ़ा कौन रहा है, ईश्वर या विचार या भौतिक तत्व, भौतिक तत्व। इसलिए अगर आप मार्क्स से पूछेंगे कि वाद प्रतिवाद संवाद को बढ़ाने के पीछे कौन है, तो हीगल क्या कहेगा, हीगल कहेगा ये वाद संवाद प्रतिवाद कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, आत्मा, विश्वात्मा। उसका नाम उसने क्या दिया, यूनिवर्सल स्पिरिट। ये विश्वात्मा है, ये ईश्वर है, जो भी कह लीजिए आत्मा है, अब विश्वात्मा है, ये ईश्वर है, जो कि अपने आप में यही प्रकट हो रहा है पूरी दुनिया में, अलग अलग तरीके से जीव जंतु का निर्माण कर रहा है। जबकि मार्क्स का कहना है कि ऐसा कोई विश्वात्मा नहीं है। इतिहास का विकास कैसे हो रहा है, आप याद रखिए इतिहास में आप जाके देखिए उत्पादन के नए नए साधन आ रहे हैं। अगर इतिहास के विकास के परिणाम आप देखेंगे, एक समय था उत्पादन करने का साधन क्या था, जमीन, कल कारखाने। अगर मार्क्स इतिहास की समझ आप रखेंगे तो जरा देखिए मार्क्स कितना सिस्टमेटिक था। उसने कहा अगर यूनानी युग में जाइए, यूनानी युग में दासों का प्रयोग हम करते थे समाज उत्पादन के लिए, और उत्पादन करता था दास, और सारा सुख सुविधा कौन भोगता था, मालिक। मार्क्स ने समाज को ऐसे देखा। और फिर उसके बाद उसने कहा कि जब सामंतवादी युग आ गया तो वहां पे जमीन के जो मालिक होते थे, मुट्ठी भर लोग जमीन के मालिक होते थे, बाकी किसान कठोर परिश्रम के द्वारा खेती करते थे, उन्हें कुछ नहीं मिलता था। यह भी इतिहास का परिवर्तन है। इतिहास इन सामाजिक परिवर्तनों से बदल रहा है। इतिहास की फोर्सिंग पावर क्या है, इतिहास कोई राजा और महाराजाओं के युद्ध का इतिहास नहीं है, ये राजा महाराजाओं के प्रेम कहानियों का उल्लेख नहीं है। इतिहास बदल कैसे रहा है, उत्पादन के तरीके बदल रहे हैं, समाज में क्लास रिलेशन बदल रहे हैं, और उत्पादन के तरीके, कभी भाव से उत्पादन होता था,
कभी हाथों से उत्पादन होता था, जब हाथों से उत्पादन होता था तो आया सामंत, और जब उत्पादन का तरीका मशीन बदल गया तो आया पूंजीवादी। पूंजीपति यानी समाज में कैसे तरीके बदल रहे हैं। जब इतिहास बैलगाड़ी से लेकर चिप के विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप में इतिहास को इस आर्थिक घटनाक्रम के द्वारा समझा जाए, इस आध्यात्मिक नैतिक विकास के द्वारा। क्योंकि आप याद रखिए, इसलिए मार्क्स कहता है कि मैं दर्शन नहीं मानता, इसलिए मार्क्स ने हमेशा कहा मैं वैज्ञानिक हूं। भाई अगर मैं कह रहा हूं इतिहास की दो व्याख्या है, मार्क्स ने कहा मुझे भी इतिहास पता है। तो मार्क्स से पूछा गया धर्म कल्चर का, नहीं नहीं धर्म कल्चर क्या है ये तो बड़ा सब्जेक्टिव है, बड़ा रहस्य है। अब कल्चर आप देखते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पहले जमीनों का मालिकाना मालिक जो था वो सामंत था, उसके बाद दासों का मालिक था उसने समाज का शोषण किया, उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था आ गई, इसमें कोई रहस्य है या वैज्ञानिक तथ्य है? इसलिए आप याद रखिए, इसलिए तो उसने कहा प्रूव होगा कि तुम्हारे जो दर्शन है, मार्क्सिस्ट का विरोधी विचार लिखा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। प्रूव ने क्या लिखा था द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, और मार्क्स ने क्या लिखा पॉवर्टी फिलोसफी। और इसलिए जरा सोच के देखिए, यही तो इतिहास की व्याख्या है। अब मैं मान लीजिए कि जिस दिल्ली में आप रहते हैं, बात को ऐसे समझ लीजिए, जिस दिल्ली में आप रहते हैं उस दिल्ली को देखने का दो तरीका है। अगर मध्यकाल की दिल्ली को देखना हो तो जाके देखिए कि लाल किला कहाँ था, कुतुब मीनार कहाँ था। कल्चर के द्वारा दिल्ली समझिए, कल्चर के द्वारा समझ रहे हैं, इतिहास के द्वारा समझ रहे हैं, ये तरीका क्या हीगल का तरीका है। फिर आप देखिए त्यौहार कैसे होते हैं, मकर संक्रांति कैसे मनाई जा रही है। लेकिन मार्क्स का तरीका क्या है समाज को समझने का, ये देख लीजिए कि इस दिल्ली में पूंजीपति कौन है, उत्पादन कहाँ हो रहा है, कल कारखानों का मालिक कौन है, अपने आप आपको समाज इतिहास की सारी समझ मिल जाएगी। तो मार्क्स का तरीका इस किस्म का है, और इसलिए मार्क्स कहता है कि मुझसे विचारों की बात मत करो और सच मानिए स्वतंत्रता विचार है, लोकतंत्र विचार है, न्याय विचार है। अभी तक तो लोग विचारों से खेलते रहे, अभी तक तो पॉलिटिकल साइंस में क्या हुआ, स्वतंत्रता समानता न्याय, स्वतंत्रता कहीं आपने देखा? अनुच्छेद 32 लेके जा रहे हैं, आजादी ले लो 32 ले लो। अरे अनुच्छेद 32 चाहिए 32 रुपए चाहिए? इसलिए हकीकत की बात यह है कि सवाल यह है, मार्क्स ने यही तो कहा, अरे मेरे दोस्तों चाहिए क्या, इकोनॉमिक्स की बात करो विचारधारा की नहीं। अरे समाज में गरीबी है, इसमें विचार कौन सा अपनाने की जरूरत है? समाज में भेदभाव है, गरीबी है, और दिल्ली में आपको बताया तुम्हें क्या क्या विषमताएं इतनी बड़ी बड़ी है। कई कई लोग ऐसे हैं जिनको केवल किराए से करोड़ों रुपए महीने मिलते हैं, किराए से, तो उनके लिए तो आज स्विट्जरलैंड, कल ऑस्ट्रेलिया, कल वहां, आजादी उनकी है, आजादी उनकी है। कई कई लोग तो लुटियन जोन में रहते हैं कि कभी किसी ने मुझे बताया कि वो आदमी किराया देते हैं 15-16 लाख रुपए घर का किराया है, घर का किराया 16 लाख रुपए है। यही पूंजीवादी व्यवस्था है। और आज के बच्चे तो यहाँ पढ़ के, हमारे जो टॉप क्लास के लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी महीने की इनकम लगभग 50-60 करोड़ है, कमाल की बात है। और मुझे बताया जा रहा है अनुच्छेद 32, मैं प्रस्तावना पढ़कर खुश हूं। होश वालों को खबर क्या, मार्क्सवाद भी कोई चीज है। मार्क्स पढ़िए तो समझिए अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद क्या चीज है। इसीलिए इस करना है तो मार्क्सवाद से करिए, तभी समाज बदल पाएंगे। इसे दोस्तों, मार्क्स बाबा ना होता हमारी आंखें कौन खोलता? एक तो आंखें खोला मैकियावेली ने कहा देखो भाई पॉलिटिक्स ऐसे चलती है, वो भी बात समझ में नहीं आई। असली पर्दा खोला तो मार्क्स ने कहा भाई इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक्स कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब लोग बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, हमें पेरिस नहीं चाहिए भाई, हमें बस वही मुख्यमंत्री का बंगला चाहिए, पेरिस थोड़ी चाहिए हमें, कमाल की बात है यार। अभी आप चले जाओ उधर लुटियन जोन में, क्या सबके आवास बने हुए हैं, और यहां जाके इधर चले जाओ मेरे इधर बगल में झड़ौदा क्या है,
जड़ौदा और इससे पीछे वजीराबाद, दड़बे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? हम कहाँ रह रहे हैं? और प्रस्तावना समाजवाद, हम भारत के लोग, भारत को क्या बन के बाद? लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, समाजवाद। पंथ मजाक किया जा रहा है क्या यार? मजाक किया जा रहा है हमसे? ये कब तक होगा दोस्तों? और क्या, और इसलिए मार्क्स बाबा से पूछा क्या? मार्क्स बाबा, ये समाज, जाति, धर्म, भाषा, उसने कहा दो ही तो जातियां हैं, एक अमीर दूसरा गरीब, एक अमीर दूसरा गरीब। और सोचिए, मार्क्स ना रेडिकल विचारक था, विचारक नहीं था, क्रांतिकारी था। कैसे? विचार तो बहुत लोगों ने दिया, विचार देना जरूरी है। और विचार तो मैं 20 साल से दे रहा हूं, यही विचार, विचार देना जरूरी है, परिवर्तन करना यंत्र है। अच्छा, ई वसन लिखा हुआ है, शोषण केंद्र है, लेकिन राज्य तो कह रहा है कि हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं, राज्य तो कह रहा है कि हम गरीबी दूर करना चाहते हैं। किसकी बात सही है? इसलिए मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है कि हीगल सर के बल खड़ा था। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आप याद रखिए, जब कोई फिलोसफर बात करता है तो शाब्दिक बात करेगा, उपमात्मक। तो हीगल सर के बल खड़ा था, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब था उल्टा खड़ा था। कमाल की बात यार। अरे, हीगल सिर के बल खड़ा था, पहले हमारे नीचे पांव होता है, सिर होता है। अच्छा, पैदा हुए थे विचार के साथ या पेट के साथ? तो अब बताओ, पैदा होते हैं पेट के साथ और हीगल कह रहा है विचार के साथ? विचार के साथ पैदा हुए, पेट के साथ? और ये दुनिया, ये फिलॉसफी में बड़ी बहस है कि विचार का महत्व पहले या वस्तु का? हम विचार के रूप में पैदा हुए या वस्तु के रूप में? अरे, 2.5 किलो के आप किसी न्यू बॉर्न बेबी को देखिए, चिल्लाते हुए आता है, उसको दूध पिला तो चुप हो जाएगा। अब चिल्लाता हुआ बेबी आए, कहा मेरे बेबी समाजवाद, चुप हो जाएगा या उसको दूध चाहिए? इसलिए मेरे दोस्तों, यही तो मार्क्स कह रहा है, उल्टा खड़े होने का मतलब है हीगल विचारों को महत्व दे रहा है। महत्व होता है परिस्थितियों का। बच्चों की तरह आप भी जवाब दे रहे हो, कोई कह रहे हैं उल्टा, हम क्या सिर के बल खड़ा था, उल्टा खड़ा था हम क्या? अच्छा, इसका मतलब, अरे शब्दों को देखोगे, भावना कहाँ? अच्छा, दिल्ली में आए तो सामाजिक परिस्थिति थोड़ी गड़बड़ाई कि नहीं गड़बड़ाई? तो अब सामाजिक परिस्थिति कैसे बदली? अब आपको यहाँ पे आके हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है, किराए दे रहे हैं, तो मकान मालिक सब क्लेश होगा, तो चेतना फिर प्रभावित करेगी। चेतना, अगर चेतना का मतलब, अगर विचार जीवन को प्रभावित करता है, तो इसका मतलब है रोज मकान मालिक के पास बैठिए, उनका आप भी स्वर के अंश, हम भी स्वर के अंश। तो मकान मालिक को फिलोसफी चाहिए, किराया चाहिए? तो स्वाभाविक रूप किराया विचार को प्रभावित कर रहा है या विचार किराए को प्रभावित कर रहा है? कौन प्रभावित कर रहा है? किराया। यही मार्क्स ने कहा, मार्क्स ने कहा यार, चेतना परिस्थितियों को प्रभावित नहीं करता। क्या परिस्थितियों को प्रभावित करता है? विचार।